जो यहाँ पे लोग देख रहे हैं उस आदमी को बंद किया जा रहा है जो कारपुर हमारे पार्टी 18 साल से मैं समाजवादी पार्टी में मेहनत कर रहा हूं। मैं इस समय वर्तमान समय में नगर उपाध्यक्ष हूं और नगर का कोई भी कार्यक्रम होता है बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लेता हूं। जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो यहां पे जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं, जो गले में सोने की चैन पहन के आते हैं, जो फोर व्हीलर गाड़ी से आते हैं उनको सम्मान दिया जाता है, और जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए जरता मरता है, जो पार्टी के लिए आवाज बुलंद करता है उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। आज मैं इस मीडिया के माध्यम से अपने नगर अपने पद नगर उपाध्यक्ष नगर का मैं उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बन के सदियों समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा। आज क्या कार्यक्रम था जो आप नाराज हो गए? आज कार्यक्रम हमारे पूर्व मंत्री लोग आए थे, हमारे मुख्य अतिथि लोग आए थे, हमारे वरिष्ठ नेता लोग आए थे, हाँ उसमें माला अर्पण का काम चल रहा था और उसके बाद वहाँ पे नगर के महामंत्री मोहम्मद जामिन जी थे, नगर जिले के महामंत्री मोहम्मद जामिन जी थे और उसके बाद जिले के प्रवक्ता स्वामी सुरेंद्र दुबे जी थे, उनसे भी कहा गया कि ऐसा है कि मैं नगर का उपाध्यक्ष हूँ, नगर के और पदाधिकारी आए हैं उनका भी नाम ले लिया जाए कि वो सब भी जाके अपने मुख्य अतिथि अपने वरिष्ठ नेताओं को माला अर्पण करके उनका स्वागत करें। हम ऐसा है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था और रहूंगा, हमेशा रहूंगा। मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में सदियों जब तक मैं धरती पे जिंदा रहूंगा करता रहूंगा। जय अखिलेश, जय मुलायम, आजम खां जिंदा। साइकिल यात्रा अभय यादव आकाश यादव के नेतृत्व में निकाला जा रहा है, जिसमें माननीय जिलाध्यक्ष हमारे शानदार आशीष यादव ने इस साइकिल यात्रा की अगुवाई की है और उन्होंने इस साइकिल यात्रा से एक मिर्जापुर जिले के कोने कोने में प्रजातंत्र बचाओ देश बचाओ का नारा देते हुए सबको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस देश में बढ़ती हुई अत्याचार को रोकना है तो समाजवादी पार्टी को फिर से लाना है। जय हिंद, जय समाजवादी। आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्रजातंत्र पे खतरा मंडरा रहा है उस खतरे को खत्म करने के लिए साइकिल यात्रा निकालने का हमारे माँ विंध्यवासिनी की नगरी से शुरुआत करने का हमारे लोगों पे जिम्मेदारी दी है। ये ऐसा तंत्र में लोग अपनी पहचान बनाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं और भारत की सरकार ने साढ़े सरकार है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर एक जनता तक इस झूठ मुक्त भारत बनाओ की गई है और पूरे देश में एक नई क्रांति लाने के लिए एक कार्य किया जा रहा है और आने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जा रहा है, जो कि आज लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2019 में निश्चित तौर पर विपक्ष के लोग ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।